मैं रोकूंगा अनुप्रिया पटेल, कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया।